हे एवरीवन, मैं हूं अनम चाहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। लेट्स बिगिन। ये चैप्टर है एक सीक्रेट एजेंट के बारे में जिसका नाम है ऑसिबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंट है, थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरा हुआ, और ये हमें बताएगा कि स्पाइज यानी कि जासूसों की जिंदगी कैसी होती है और कितने रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उनके प्रोफेशन में। उनको हर रोज़ कितने रिस्क उठाने पड़ते हैं, कितने डेंजर्स का सामना करना पड़ता है। थीम के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल आइडिया क्या है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को पढ़ के हमें पता चलेगा कि सीक्रेट एजेंट्स का सर्वाइवल, स्पाइज यानी कि जासूसों का सर्वाइवल डिपेंड करता है उनकी स्मार्टनेस पे, उनकी विजडम, उनकी बुद्धि, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी क्विक थिंकिंग और परफेक्ट प्लानिंग पे। अगर वो ये सब चीज़ें लैक करते हैं तो वो सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट्स नहीं बन सकते और सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी थीम जो है वो है अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, यानी कि किसी की शक्ल देख के ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो इंसान कैसा होगा। किसी भी बुक को उसके कवर को देख के जज नहीं करना चाहिए क्योंकि सच्चाई अक्सर डिफरेंट होती है। किसी को देख के कोई इंसान जैसा लगता है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑसिबल के बारे में। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है। देखने में बहुत ही ऑर्डिनरी है, थोड़ा फैट है और देखने में बहुत डल और बोरिंग लगता है। वो देखने में कोई टिपिकल सीक्रेट एजेंट नहीं लगता, जैसे सीक्रेट एजेंट्स, जैसे स्पाइज मूवीज़ में दिखाते हैं वो वैसा नहीं लगता। वो बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही कॉमन सा दिखता है। ओरिजिनली वो बॉस्टन से बिलोंग करता है अमेरिका में, बट पिछले लगभग 20 ईयर्स से वो फ्रांस में रहता है। वो फ्रेंच और जर्मन बोलता है बट विद एन अमेरिकन एक्सेंट। हालांकि वो फ्रांस में 20 साल से रह रहा है बट वो फिर भी फ्रेंच और जर्मन अमेरिकन एक्सेंट में ही बोलता है। सेकंड कैरेक्टर है फाउलर। फाउलर एक अपकमिंग राइटर है और वो बहुत ही इंटरेस्टेड है एक आर्टिकल लिखने में जो कि होगा सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, जासूसों और उनके प्रोफेशन एस्पायनेज के बारे में। फाउलर को थ्रिल, एक्साइटमेंट, एडवेंचर बहुत पसंद है और वो बहुत एक्साइटेड है ये राइटअप लिखने के बारे में जो कि है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। तो फाउलर ऑसिबल से बात करता है, उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है ताकि वो अपने आर्टिकल को अच्छे से लिख सके, एक सीक्रेट एजेंट के बारे में जान सके। वो बहुत एक्साइटेड है ऑसिबल से मिलने के लिए, पर जब वो ऑसिबल से मिलता है तो क्या वो खुश होता है? नहीं, वो बहुत ही डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसके माइंड में जो इमेज होती है सीक्रेट एजेंट्स की, स्पाइज की, वो बहुत ही डिफरेंट है ऑसिबल से। उसने सोचा था कि ऑसिबल बहुत स्टाइलिश होगा, बहुत स्मार्ट होगा, बहुत एक तरह का दिखता होगा, बट जब वो ऑसिबल से मिलता है तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है कि अरे ये तो बिल्कुल कॉमन दिखता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखता है, ये तो मोटा है और ही डजंट लुक लाइक अ स्पाई और ये तो स्टाइल में भी नहीं रहता। तो एनीवेज दोनों रात को ऑसिबल के रूम में जाते हैं। ऑसिबल ठहरा हुआ है एक फ्रेंच होटल में जो कि एक सस्ता सा होटल है, उसके टॉप फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे उसका रूम है। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं। अब जो ऑसिबल है वो समझ जाता है कि फाउलर उससे मिलके खुश नहीं हुआ। ऑसिबल दूसरों के माइंड्स रीड करना बहुत अच्छे से जानता है, आफ्टर ऑल वो एक सीक्रेट एजेंट है। तो वो समझ जाता है कि फाउलर उससे मिलके खुश नहीं हुआ, बहुत डिसअपॉइंट हुआ है। तो वो उसे एश्योर करता है, ऑसिबल फाउलर को एश्योर करता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, आई एश्योर यू, आई प्रोमिस यू कि तुम्हें मेरे पास आने का रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम पछताओगे नहीं कि अरे यार मैं किसके पास चला गया। एनीवेज वो बोलता है कि आज मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो रात को मेरे रूम में पहुँचेंगे, जो कि है मिसाइल्स के बारे में।
तो ये बात करते करते दोनों ऑसिबल के रूम में चले जाते हैं। एट मिडनाइट, रात को मिडनाइट के वक्त, आधी रात के वक्त असली एडवेंचर, असली थ्रिल शुरू होता है। क्या है वो एडवेंचर? वेल, जैसे ही वो अपने रूम में एंटर करते हैं, जैसे ही ऑसिबल अपने होटल रूम का दरवाज़ा खोलता है, तो वो देखता है कि एक आदमी उसके रूम में खड़ा है, हाथ में पिस्टल लिए, एक ऑटोमेटिक पिस्टल लिए। तो जैसे ही वो आदमी दिखता है तो ऑसिबल बोलता है कि मैक्स, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो इससे फाउलर समझ जाता है कि ये जो इंसान है इसे ऑसिबल पहले से जानता है। मैक्स कौन है? मैक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैक्स मीडियम हाइट का है, पतला सा है, और उसका जो फेस है वो फॉक्स लाइक है, किसी एक फॉक्स की तरह दिखता है। ऑसिबल एकदम से घबराता नहीं, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करता है और चुपचाप आराम से अपनी चेयर पे बैठ जाता है और बोलने लगता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम बालकनी से मेरे रूम में आयोगे? जो विंडो के पीछे बालकनी है, ज़रूर तुम उसी बालकनी से मेरे रूम में एंटर हुए हो मेरी एब्सेंस में, और थोड़े दिन पहले एक और इंसान मेरे रूम में ऐसे ही एंटर कर गया था, एक इंट्रूडर, और मैंने होटल मैनेजमेंट को कंप्लेंट भी किया था इसके बारे में कि तुम उस बालकनी का जो रास्ता है मेरे रूम में आने का वो बंद करवा दो, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया, और देखो तुम आज उसी रास्ते से मेरे रूम में आ गए हो। आज तो मैं होटल वालों को छोड़ूंगा नहीं, उनसे झगड़ा करूंगा। फाउलर देखने की कोशिश करता है विंडो से बाहर कौन सी बालकनी, बट बाहर इतना अंधेरा होता है कि फाउलर को कुछ नहीं दिखता। एनीवेज, मैक्स ऑसिबल को बोलता है कि मुझे किसी बालकनी के बारे में नहीं पता, मैं तो तुम्हारे रूम में डुप्लीकेट चाबी के हेल्प से आया हूँ, आई हैव अ पास की, एक डुप्लीकेट की है मेरे पास, उससे मैं तुम्हारे रूम में एंटर हुआ हूँ। एनीवेज, मैं वो इम्पॉर्टेंट पेपर्स लेने आया हूँ जो आज रात को तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं। तभी तो मैक्स ऑसिबल बोलता है कि तुम्हें उन पेपर्स के बारे में कैसे पता? मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में होगे, जर्मनी में, तुम फ्रांस में क्या कर रहे हो? एनीवेज, तभी उनके दरवाजे पे एक नॉक होता है, तो मैक्स बहुत नर्वस हो जाता है कि ये कौन आ गया। तो जो ऑसिबल है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इतने इम्पॉर्टेंट पेपर्स की सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी का कोई बंदोबस्त नहीं करूँगा? मैंने तो पहले से ही पुलिस को बुला रखा था सेफ्टी के लिए, लगता है पुलिस ही आई है। अब पुलिस आ चुकी है, वो गेट के बाहर खड़ी है, और जो गेट है वो लॉक्ड भी नहीं है, दरवाजे को लॉक नहीं किया हुआ, कुंडी भी नहीं लगाई हुई, तो अगर नेक्स्ट नॉक पे ये दरवाज़ा नहीं खुला तो वैसे भी वो अंदर आ जाएंगे और तुम्हें शूट कर देंगे। तो ये सब सुन के मैक्स बोलता है कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं बालकनी में जाके छुप रहा हूँ, जल्दी से तुम पुलिस को जाने के लिए बोलो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आई विल स्टार्ट फायरिंग, मैं गोली चलाना शुरू कर दूंगा और मैं कुछ नहीं सोचूंगा उसके बाद। ऐसा बोल के जो मैक्स है वो बालकनी में खिड़की से बाहर जाता है, अ फ्यू सेकेंड्स के लिए विंडो सिल पे हाथ रखता है और उसके बाद हाथ छोड़ देता है ताकि नीचे बालकनी में जंप कर सके। जैसे ही मैक्स जंप करता है एक बहुत तेज आवाज़ आती है चिल्लाने की, चीख की। इससे क्या पता चलता है, इस चीख से क्या पता चलता है कि बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं, मैक्स सीधे होटल से नीचे रोड पे जाके गिरा और उसकी डेथ हो गई। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एक वेटर खड़ा होता है, हाथ में वाइन की बॉटल लिए और दो ग्लासेस लिए जो कि ऑसिबल ने ऑर्डर किए थे रूम में आने से जस्ट पहले। तो ऑसिबल फाउलर को शॉक्ड देख के उसका डाउट क्लियर करता है और बोलता है कि मैं पुलिस को एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, मैंने तो पुलिस को बुलाया ही नहीं था। उसने फाउलर को बताया कि ये सब मेरी एक चाल थी, ये सब मेरी ट्रिक थी टू गेट रिड ऑफ मैक्स, मैक्स से पीछा छुड़ाने के लिए, ये सब तो मैंने कहानी बनाई थी, कोई बालकनी थी ही नहीं। तो ऑसिबल की प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन दोनों की जान बच जाती है और फाउलर बहुत इम्प्रेस होता है उसकी स्मार्टनेस, उसकी
विजडम से। तो ये था चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर की मैंने इंग्लिश वीडियो भी अपलोड की है, आप उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आंसर्स इंग्लिश में ही लिखने हैं, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप मुझे कॉमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।